तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहना चाहता है? द नंबर ऑफ कॉल्स अराइविंग एट एन इंटरनल स्विच बोर्ड ऑफ एन ऑफिस इज 96 पर आवर। तो इसने बोला नंबर ऑफ कॉल्स हमारे पास कितनी आ रही है, 96 पर आवर, तो आवरली कॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नॉट मोर देन 3 कॉल्स ऑन द बोर्ड पर मिनट। अब यहाँ पे एक मिसमैच है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन गिवन है आवर्स में और आंसर चाहिए हमें मिनट्स में, तो हम क्या करेंगे, आर को कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स में। तो जो हमारे नंबर ऑफ कॉल्स सर पर मिनट है वो कितने आएंगे, तो दैट विल बिकम आवर एवरेज। तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, मीन इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाय 60, बिकॉज 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 96 अपॉन 60 आपने कर लिया, तो 1.6 कॉल्स का क्या निकल गया आपका एवरेज, दिस इज द मीन। देन एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो क्वेश्चन ने बोला नॉट मोर देन 3, तो 3 तक तो कॉल हो सकते हैं, तो एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, 0, 1, 2 एंड देन 3। 3 से ऊपर वैल्यू नहीं जा सकते बिकॉज क्वेश्चन ने मना किया है। तो अब क्या करना है आपको, इसी को सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला पुट करते हैं, e टू द पावर ऑफ -1.6 देन 1.6 टू द पावर ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस। अब 0 की प्लेस पे क्या करना है, 1 रखना है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, ठीक तो 1.6 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस इस बार पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड देन पावर है 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब ठीक क्या करना है आपको, इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या कॉमन आ रहा है, ई की पावर -1.6 और उसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है आपको 0.2019। तो हमने लिखा ई की पावर -1.6 ठीक आपका कॉमन है, फिर 1.6 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 ये होता है 1, देन 1.6 फिर 1.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड देन 1.6 का क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। तो अब इसको सॉल्व करके बता दो है क्या फाइनल आंसर आ रहा है, 1.6 इसका आ गया ठीक है उसका क्यूब क्या पॉइंट है 0.9 ओके परफेक्ट। तो फाइनल आंसर आ रहा है आपका 0.92। तो बस 4 टाइम्स आपने फॉर्मूला को यूज किया है, अप्लाई किया एंड सिंपली गॉट द आंसर, इतना इजी है। तो ये था आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट एक और है, इस बार क्वेश्चन ने क्या बोला, एटलीस्ट 4 कॉल्स इन अ मिनट ऑन द बोर्ड। अब एटलीस्ट 4 कॉल्स है, दैट मींस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। 4 and 4 above यस, तो एक्स विल बी 4 एंड अबव, तो 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी आप कह सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो दूसरा तरीका है हमारा इसका, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1, 2, 3, इन सबको 1 में से माइनस कर दो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 4 एंड अबव वाला। तो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया ही है, 0.92 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0.08 इज द फाइनल आंसर। तो दिस इज द फाइनल आंसर, 0.08, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके यस सर तो क्वेश्चन नंबर 59 इज डन नाउ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में कोई डाउट, सिक्सटी नो सर नो नो सर सिंगल है,
61 भी सिमिलर है बिकॉज ऐसा पैटर्न हमने कल किया था। 62, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज 25 ईयर्स विल डाई विद इन अ ईयर इज 0.012। अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या दिया है, इस मैन के डेथ होने की प्रोबेबिलिटी 0.012 है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ 10 मैन एटलीस्ट 9 विल रीच देयर 26th बर्थडे। तो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कौन बताएगा? क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? पी तो हमें सर 0.012 दिया हुआ है, ये क्या जीरो दिया हुआ है, पी सर, पी पी? ओके, प्रोबेबिलिटी सर। इज 0.012। ओके, टेन क्या एंड है? सर इसमें एन सर 10, 10 हो गया आपका टोटल नंबर, बिकॉज 10 मैन अवेलेबल है, तो एन इज इक्वल टू 10। अब एक्स हो गया हाँ, हमारा 9 एंड 10 सर। यस, एक्स की वैल्यू के लिए क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मैनी विल रीच देयर बर्थडे। तो इधर 9 और 10 विल रीच, ओके, ये आपने बोला। एम में क्या लिखेंगे, मीन? सर एन इंटू पी हो जाएगा सर वो। यस, एन इंटू पी, तो 10 इंटू 0.012, तो ये आ गया आपका 0.12। अच्छा, ये आपको और श्योरिटी का आंसर मिल जाएगी। क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन रहती है, ई की पावर -0.12 इज दिस, तो ई की पावर में क्या आता है, बेसिकली मीन आता है, तो मीन आपको वहां से भी एक हिंट मिल जाएगा कि आपका मीन तो 0.12 है। अब मुझको ये बताओ, क्या एम जो अपन ने सारी वैल्यूज लिखी है इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्या ये सारी वैल्यूज करेक्ट है? यस सर, ओके, और कौन कह सकता है ये सारी वैल्यूज करेक्ट है? और कोई कॉन्फिडेंस किसी को? नो वन। अब देखो, यहां पे जो हमने लिखा है इसमें एक चीज गलत है, कुछ तो मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है वो आप सोचना। प्रोबेबिलिटी काहे की है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, जबकि एक्स में आपने क्या लिखा है, 9 एंड 10 विल रीच देयर बर्थडे, दैट मींस ये अलाइव रहने के लिए आपने एक्स निकाला है, जबकि प्रोबेबिलिटी में आपने डेथ ले लिया, दैट मींस देयर इज अ मिसमैच, दोनों पे मिसमैच हो गया, दोनों का जो मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग हो गया। एक जगह हम बर्थ की बात कर रहे हैं, एक जगह हम डेथ की बात कर रहे हैं, एक जगह जिंदा रहना, एक जगह डेथ हो रही है, दैट मीन्स एक मिसमैच है, तो दोनों को सेम ग्राउंड पे लाना पड़ेगा। तो देखो, प्रोबेबिलिटी को तो हम यहाँ चेंज कर नहीं सकते, बिकॉज उसी से आपका मीन आएगा और मीन का वैल्यू भी आपको गिवन है। हम चेंज किसको करेंगे, हम चेंज करेंगे एक्स को। अगर हमने कहा 10 में से 9 लोग अपनी बर्थडे तक पहुंच जाएंगे, तो कितने की डेथ हो सकती है? एक की सर। एक की होगी। अगर 10 में से 10 पूरे पहुंच गए तो फिर सर कितनी डेथ जीरो होगी, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेथ क्या हो जाएगी, 0 एंड 1। तो एक्स में आपको 9 एंड 10 नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, 0 एंड 1। बस ये सबसे ओके इंपॉर्टेंट ओके पॉइंट था इस क्वेश्चन का, और मोस्टली एग्जाम में यही मिस्टेक होती है कि हम गलती से 9 10 ले लेते हैं और फिर हमारा ऑप्शन मैच नहीं करता है, या ऑप्शन मैच भी करता है लेकिन आंसर आपका मैच नहीं करता है ना? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ -0.12, फिर 0.12 का पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस इस बार 0.12 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। अब ई की पावर -0.12 कॉमन आ जाएगा, जिसकी वैल्यू है 0.88692, देन 1 प्लस 0.12। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ गया।
दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर। तो क्या आ रहा है आपका फाइनल आंसर? Anybody with final answer? 0.9933 0.993 and किसी के 3 किसी के 4 आ रहा होगा। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी। 0.9933504 ओके परफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका 63। 63 में आपको मीन दिया है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट वन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। वन माइनस नन। यस, वन माइनस नन, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, और नन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू जीरो। सो वन माइनस ई टू द पावर ऑफ, मीन कितना दिया हुआ है वन, then 1 to the power of 0 upon factorial 0. अब बस इसको सॉल्व किया एंड गेट द आंसर। सर 0.632। ओके परफेक्ट। तो ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 63। सर जैसे पॉइंट में हमारा पावर रहता है तो उसका कोई शॉर्टकट होता है सर? पॉइंट पावर रहता नहीं, वो वैल्यूज आपको हमेशा क्वेश्चन देगा, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। लाइक ई की पावर में अगर कोई भी नंबर डेसिमल है तो आपको सॉल्व करना ही नहीं, वो क्वेश्चन हमेशा आपको वैल्यू देगा, बिकॉज आप इसको कैलकुलेटर पे नहीं निकाल सकते। आपको सीधा सा या तो उसकी टेबल चाहिए होती है और एग्जाम में आपको डायरेक्टली वैल्यूज गिवन रहती है। ओके ओके सर। ओके चलो ये हो गया। अब आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 64 पे। अ मैन्युफैक्चरर हु प्रोड्यूसेस मेडिसिन बॉटल्स फाइंड दैट 0.1% ऑफ द बॉटल्स आर डिफेक्टिव। अब ये 0.1% क्या गिवन है? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बॉटल्स सर। यस, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ओके एल्मा इज सेइंग मुझे बीच क्लास में समझ नहीं आ रहा। यस एल्मा, आपकी आज फर्स्ट क्लास है तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे अभी पोजिशन खत्म होगा उसके बाद से आप कंटिन्यू करना, बिकॉज पोजिशन के बाद वाला जो टॉपिक है वो पोजिशन से कनेक्टेड नहीं है, वो टोटली डिफरेंट है, राइट? तो उस पोर्शन से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं एंड फिर आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी वापस कोई चैलेंज नहीं आएगा, राइट? तो अभी आपको जितना समझ आ रहा है उतना आप करो, बाकी नेक्स्ट आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आप स्टार्टिंग से उसमें कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके चलो, सो हम बात कर रहे थे मेडिसिन बॉटल में डिफेक्टिव होने के चांसेस गिवन है 0.1%। द बॉटल्स आर पैक्ड इन बॉक्सेस कंटेनिंग 500 बॉटल्स। तो बॉक्स में बॉटल्स पैक होती है या फिर बॉटल में बॉक्सेस? बॉक्स में बॉटल्स पैक होगी। दैट मींस आउटर चीज क्या है आपका? बॉक्स। मतलब कैपिटल एन हम किसको बोलेंगे? बॉक्स को बोलेंगे। स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? बॉटल्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर बॉटल्स आती है। सो कैपिटल एन विल बी boxes and small n will be bottles. A drug manufacturer buys 100 boxes. Ab drug manufacturer ne 100 box khareede hain from the producer of bottles. Now using the Poisson distribution, find how many boxes will contain at least two defective. Ab pura question humne pad liya, ab isme se values ko extract karte hain. To ek bar thoda space bana lete hain. सो
सो 64। अब देखो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.1%। 100 क्या है एंड 500 क्या, ये बताना है। 100 का मतलब क्या है, कैपिटल एन या स्मॉल एन? कैपिटल एन हो गया सर। कैपिटल एन बिकॉज ये बॉक्सेस की बात हो रही है, राइट। एंड 500 क्या बन जाएगा? सर स्मॉल एन। ओके नाउ एन आ गया, पी आ गया, मीन निकालना है। कैसे निकालोगे? 500 इंटू 0.1 इंटू 0.1% भी लगाना है ना, परसेंटेज नहीं भूलेंगे हम, तो 0.1% कितना आएगा आपका? 0.5। 0.5 तो मीन भी आ चुका है। अब सिर्फ एक चीज बची है और वो है एक्स। एक्स के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, एटलीस्ट टू डिफेक्टिव। तो एक्स में क्या होना चाहिए? टू, सर, मतलब जहां पर भी प्रोबेबिलिटी हमें परसेंट में दी हो, फिर हमें जब एम ची होगा तो उसमें परसेंटेज लगाना होगा, तो बिल्कुल लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड 1। 0 एंड 1, परफेक्ट। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 कर देते हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो 1 माइनस e की पावर सीधा कॉमन ले लेते हैं, एक स्टेप बचेगा हमारा। e की पावर -0.5, देन 0.5 to the power of 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस 0.5 to the power of 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। नाउ वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.6065 एंड देन 1 प्लस 0.5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या रिजल्ट आता है, 0.09025। ऐसे कुछ वैल्यूज आ रही होगी, यस सर। तो ये क्या निकल गया आपका, प्रोबेबिलिटी। अब जैसे आप ऑप्शन को देखोगे तो आपको एक चीज क्लिक करेगी, देखो एक बार ऑप्शन को, कुछ क्लिक करेगा। यस सर, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। यस, नंबर्स 1 से बड़े हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी का पूछा है। और क्वेश्चन की लास्ट लाइन से भी आपको पता लग जाएगा, हाउ मेनी बॉक्सेस विल कंटेन दीज डिफेक्टिव्स, मतलब नंबर ऑफ बॉक्स पूछे जा रहे हैं। तो बॉक्स आपको निकालने हैं, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, तो कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.09025 कर देते हैं, तो रिजल्ट इज 9 बॉक्सेस। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके सर। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 64। नाउ 65। 65 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बस वैल्यूज अगर आपने निकाल ली तो बाकी क्वेश्चन तो आप कर लोगे, बस वैल्यूज क्या होगी ये आपको बताना है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोजीशन वेरिएंट एक्स इज 2, तो 2 हो गया आपका क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हैविंग वैल्यू बिटवीन 1.5 एंड 2.9। अब इस क्वेश्चन को देख के कौन बता सकता है मीन क्या होगा? सर 4 सर। 4, क्योंकि हमें पता है इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू वेरियंस, और वेरियंस क्या होता है, इट इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। देयरफॉर मीन का वैल्यू आपका 4 हो चुका है। अब आता है एक्स। एक्स की वैल्यू कहां से लाएंगे? तो एक्स के लिए क्वेश्चन ने बोला है 1.5 से बड़ा है वैल्यू, लेकिन 2.9 से छोटी वैल्यू है, तो एक्स कैसे लिखेंगे? तो हमने कंडीशंस में ऑलवेज पढ़ा है कि जो यहाँ पे एक्स का वैल्यू है, एन का वैल्यू है, ये ऑलवेज क्या होता है, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, ये ऑलवेज एक होल नंबर होता है। तो 1.5 से 2.9 के बीच में कौन सा होल नंबर आता है? 2। टू एक्स का वैल्यू हो गया आपका 2, दैट्स इट। तो मीन आ चुका है। सर। हाँ सर एक डाउट, यहाँ पे पॉइजन वेरिएंट तो एक्स इज 2 बोला ही गया है ना।
वो पॉइसन वेरिएट नहीं, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइसन वेरिएट इज टू, दैट मींस टू ओके इसको डिनोट कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, है ओके ठीक ना। ओके तो है सर। मीन इज 4 एंड एक्स इज 2। अब बाकी आप आगे सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द सेम फॉर्मूला, तो बाकी आपका होमवर्क है। पॉइंट सर 0.14 ऑप्शन 147 या 144, वन फोर ऑप्शन बी 0.1465 है ऑप्शन वन बी। फोर सिक्स फाइव है ना। तो देखो जीरो, इसमें आपको है ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आपका आंसर 0.1415 दोनों ऑप्शन में है तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा थर्ड डिजिट के लिए। अगर आपका थर्ड डिजिट 5 एंड अबव आता है तो आपका आंसर 0.15 हो जाएगा, और आपका अगर थर्ड डिजिट 4 एंड या उससे लेस होता है तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जहां पे मार्जिन कम होता है ऑप्शन में, वहां पे आपको थोड़ा सा राउंड ऑफ में केयरफुल रहना पड़ेगा, राइट। तो 146 अगर है तो आप सेलेक्ट करोगे किसको, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है सर। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 66 इंटरेस्टिंग है, बस वैल्यूज आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, बाकी आपको अब आता है। एक्स जो सिंबल बना रखा है उसका मतलब फॉलोज, पी मतलब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, एम उसका पैरामीटर। तो इसका मतलब है क्वेश्चन कह रहा है कि हम ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, इट्स कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन इज 50। तो कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन आपको याद आ रहा होगा फ्रॉम द चैप्टर डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन हमने किया था लाइव सेशन में आईसीआई की पोर्टल पे, तो उसमें सीवी की वैल्यू दिया हुआ है आपको 50। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वुड अज्यूम ओनली नॉन जीरो वैल्यू, एक्स वुड अज्यूम नॉन जीरो वैल्यू। तो पहले बता दो एक्स का वैल्यू में क्या लिखूं, एक्स की वैल्यू क्या लिखे। एक्स वुड अज्यूम अबव जीरो, नॉन जीरो वैल्यू, अबव जीरो, अबव जीरो अबव जीरो मतलब क्या लिखूं मैं। सर, वन टू इन्फिनिटी, वन टू इनफिनाइट। यस, वन टू इन्फिनाइट, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब अगर मुझे सॉल्व करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, 1 - p x = 0, ये मेरा सॉल्यूशन होगा। अब इस सॉल्यूशन में मुझे यस सर। एक और चीज चाहिए, क्या चाहिए, एम m चाहिए। m निकालने के लिए आपको cv दे रखा है क्वेश्चन में, अब आप cv से m कैसे निकालो ये बताओ। तो उसके लिए आपको cv का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इन टू यस, हंड्रेड। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100, परफेक्ट। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या मेरे पास, नहीं। अर्थमेटिक मीन नहीं, सीवी, हाँ सीवी तो है और इनटू 100 भी है। अब मैं कैसे सॉल्व करूं ये बताओ, क्या तरीका है, वैल्यू एज्यूम करके क्या अज्यूम करना एक्स है। अब वाई एस डी का देखो वैल्यू एक एक्स सिंपल से तरीका है, एज्यूम। फिर से वही प्रॉपर्टी जो पॉइसन की है, मीन इज इक्वल टू वेरियंस, वेरियंस स्क्वायर स्टैंडर्ड यस। लेते तो स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लिखते हैं नीटा, और वेरियंस को क्या लिखते हैं, नीटा स्क्वायर। हैं। अब जैसे ही मैंने ये यस लिखा सर। आपको क्लिक कर गया, अब तो हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा, नीटा से नीटा कैंसिल हो गया, 50 एंड ये कैंसिल हो गया, तो नीटा की वैल्यू 2 आ गई। तो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है तो वेरियंस हो जाएगा 4, एंड वेरियंस इज इक्वल टू मीन, तो एम की वैल्यू आ चुकी है आपकी 4। तो बस ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था इस क्वेश्चन नंबर 66 का। ओके, ऑल क्लियर, यस सर, क्लियर। यस सर। ओके। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि ऐसे ट्विस्ट कहीं पे भी आ सकते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। देन 67
अब जो हमने पैटर्न किए हैं ऑलमोस्ट वैसा ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप आराम से कर पाओगे, दिस इज प्योरली होमवर्क। अब आते हैं नए टॉपिक के ऊपर, वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे पहले बताओ, यूनिफॉर्म वर्ड तो सुना होगा, कहीं सुना यूनिफॉर्म? यस सर, सिमिलर। यस, यस सर, सिमिलर, एक जैसा। यूनिफॉर्म मतलब हो गया सिमिलर या एक जैसा। तो यहाँ पे क्या सिमिलर है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सिमिलर है, हर किसी इवेंट के अकर होने के चांसेस बराबर है, इक्वल है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने किसी लॉटरी के अंदर पार्टिसिपेट किया, एंड उस लॉटरी के अंदर देर आर 100 पार्टिसिपेंट्स, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे 100 कूपन्स पड़े हैं एक बर्तन के अंदर। उसमें से रैंडमली एक कूपन निकाला जाता है, एक कूपन निकाला है, तो किसके सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है? नंबर 1 के या नंबर 5 के या नंबर 100 के? किसके चांसेस ज्यादा होते हैं? सर बराबर होते हैं सबके। सबके बराबर होते हैं, ऑल आर इक्वल। तो वो इक्वल कितना होता है? अगर 100 ऑब्जर्वेशंस है तो हम क्या बोलेंगे? हर किसी के चांसेस हो गए 1/100, 1/100। अगर 10 ऑब्जर्वेशन हुए तो 1/10, 50 हुए तो 1/50, और अगर n ऑब्जर्वेशन हुए तो 1/n। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज 1/n, ये हो जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी, राइट? अब अगर इसके ऊपर एक बेस क्वेश्चन हम देखें, 68, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्स दीज वैल्यूज, 5 वैल्यू आपको दे रखी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 8। तो इन 5 में से कितनी वैल्यूज फेवरेबल है आपकी? एक सिंगल वैल्यू फेवरेबल है, 1 वैल्यू इज फेवरेबल आउट ऑफ 5। तो वॉट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? 1/5, सर दैट्स इट। 69, इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल एक्स अज्यूम एन वैल्यू विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। 70, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन्ड इन अ सिंगल थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाइस फॉलो, ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म, बिकॉज कोई भी नंबर आए सबकी प्रोबेबिलिटी डाइस में क्या होती है? 1/6। 71, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुज फंक्शन इज 1/n, तो 1/n तो फॉर्मूला किसका हो गया? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, ऑप्शन सी। सी। 72, अब इस बार अगेन आपको 5 वैल्यूज दे रखी है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 12? 0 0 0, बिकॉज ये 12 उन 5 ऑब्जर्वेशन में है ही नहीं। मतलब अगर किसी ने लॉटरी में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है तो उसके जीतने के चांसेस क्या होंगे? 0। सो ऑप्शन नंबर यस डी। सर। 73, अ रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन 5 वैल्यूज दे रखी है, बट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी है? एक्स लेस देन 12, 12 थ्री से बाय कम। यस, तो 3 नंबर्स आर फेवरेबल आउट ऑफ 5, सो 3/5, ऑप्शन नंबर सी। 74, अगेन 5 वैल्यूज गिवन है, एंड एक्स ग्रेटर देन 10 का प्रोबेबिलिटी बताना है। थ्री थ्री बाय बाय फाइव 3/5। 75, एक्स इक्वल टू 9, 1/6 1/6, बिकॉज 1 इज फेवरेबल आउट ऑफ 6, तो 1/6। 76, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अनबायस्ड डाइस हैज फ्रीक्वेंसी फंक्शन, वन वन बाय बाय सिक्स वन वन बाय बाय सिक्स सिक्स बिकॉज डाइस में 6 ऑप्शंस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 6। 77, इन अ डिस्क्रीट वेरिएबल एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, 6 वैल्यूज आर गिवन है, एंड ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, दिस इज पी मॉड है, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स -14 लेस देन 5,
मॉड एक्स माइनस 14 इज लेस देन 5, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। गिवन है आपको 8, 9, 11, 15, 18, 20। अब हमें चाहिए मॉड ऑफ एक्स माइनस 14, तो 8 माइनस 14 कितना लिखेंगे, 6, 9 माइनस 14 इज 5, देन 3, 1, 4 एंड 6। अब इनमें से फेवरेबल कौन सा है जो कि लेस देन 5 है, वो फेवरेबल है, तो 3, 1 एंड 4, ये सारे ऑब्जर्वेशन आपके फेवरेबल है। तो आउट ऑफ 6 वैल्यूज 3 आर फेवरेबल, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/2। 1/2 परफेक्ट, तो 1/2 आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म देखा जाए तो बहुत सिंपल था, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, अभी तक जो हमने चैप्टर किया उसमें कोई टॉपिक ऐसा हो जो टफ लगा हो, जो बहुत डिफिकल्ट लगा है? नो सर, नो? और किसी को कोई ऐसा पॉइंट जो अभी तक समझ नहीं आया है या कोई कंफ्यूज कर रहा है ऐसा पॉइंट? सर वो एटमोस्ट और एटलीस्ट उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। ओके, जब भी क्वेश्चन में आता है एटमोस्ट, तो एटमोस्ट का मतलब एक तरह से क्या हो गया आपका लिए, मैक्सिमम। अगर क्वेश्चन ने बोला एटमोस्ट 1, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है एट मैक्स बोल रहा है वो, ठीक है। जैसे कोई अगर आपसे पूछता है आप कितनी चपाती एक बार में कंज्यूम कर सकते हो, आपने बोला एटमोस्ट 1, एटमोस्ट मतलब एट मैक्सिमम 1 चपाती, एक बार में एक चपाती से ज्यादा हमसे नहीं खाई जा सकती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम। तो एटमोस्ट 1, तो इट मीन्स 0 एंड 1, दो वैल्यूज होती। अगर हमने बोला एटमोस्ट 2, तो एटमोस्ट 2 मतलब 0, 1 एंड 2, मतलब अप टू 2 आप लिख सकते हो इसको, मैक्सिमम 2 लिख सकते हो, नॉट मोर देन दैट। एटमोस्ट 3 अगर है तो 0, 1, 2, 3, तो एटमोस्ट में हमेशा शुरुआत कहां से हो रही है, 0 से, और उस नंबर तक हम जा रहे हैं। फिर आता है दूसरा आपका एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब यहां पे बात हो रही है मिनिमम की, तो अगर क्वेश्चन ने बोल दिया एटलीस्ट 1, तो इसका मतलब 1 से नीचे तो हम जा ही नहीं सकते, तो 1 या उससे आगे 2, 3, कहां तक, जहां तक क्वेश्चन बोलेगा वहां तक, एन तक या इनफाइनाइट तक, जो भी केस है हमारा। अगर क्वेश्चन ने बोला है एटलीस्ट 2, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू एन। अगर क्वेश्चन ने बोला है एटलीस्ट 5, तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे, 5, 6, 7 अप टू एन। अब ये तो हो गया इसका मीनिंग, लेकिन एटलीस्ट में जब भी आपको सॉल्व करना होता है तो फिर आप लोग ध्यान क्या रखेंगे, एटलीस्ट 1 है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा था, 0 नहीं हो रहा, तो इसको माइनस कर दो, 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0। अगर एटलीस्ट 2 है तो क्या करोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 0 एंड 1, ये दोनों आप लेस कर दोगे। और अगर एटलीस्ट 5 है तो इसका मतलब आपको क्या क्या लेस करना पड़ जाएगा, 0, 1, 2, 1 3, 2 एंड 3 एंड 4 4, यहां तक तो आपको पूरा लेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कोई भी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यस यस सर। सर, चलो, और कोई डाउट किसी को, बिकॉज हमारा 2/3 चैप्टर हो चुका है, अब 1/3 पोर्शन बचा है, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो फर्स्ट 1/3 था आपका बाइनोमियल, सेकंड 1/3 हो गया आपका पॉइसन, और अब थर्ड 1/3 होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस तरह से ये दोनों इजीली समझ में आते हैं, वैसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आसानी से हमें समझ में आ सकता है। लेकिन अगर एक बात मैं बताऊं, रिसर्च ये कहती है, जो मेरी खुद की रिसर्च है वो ये है
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को बहुत एबनॉर्मल लगता है, क्योंकि उनको समझ आता ही नहीं है, किसी को समझ नहीं आता है। बहुत रेयर केसेस में किसी को समझ आता है। अगर आपने मॉड्यूल में से कुछ एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस ट्राई किए हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अपने आप, तो आप देखना एक बार, आपको समझ ही नहीं आएगा वो क्वेश्चन क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, उसके सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, नेवर, किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन उसका एक तरीका है डायग्राम बना के, अगर हम उस डायग्राम वाले पैटर्न से समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। और ये मुझे लाइक कब समझ आया, जब मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और वो वायरल हो गया, मतलब लैक्स ऑफ व्यूज उसके ऊपर आ गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तरीका सबको समझ आ रहा था और बाकी प्लेसेस वाला तरीका किसी को समझ में नहीं आया। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है ये हमारा, जिससे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वैसे आज का टाइम सर फिनिश होने वाला है। हाँ पूछो। सर एक डाउट सर, ये यूनिफॉर्म